यूसर के स्टूडियो में मैं आज हेस्को के संस्थापक और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का स्वागत करता हूं और आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, विभूषित हैं। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की आप शान हैं। आपको जाना जाता है कि नए प्रयोगों के लिए और ख़ासतौर से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर हर जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए है, आपके द्वारा उसमें असाधारण कार्य किया गया है। आप हमारे मध्य में, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। हमने जो स्मार्ट इको क्लब की स्थापना की है यूसर के माध्यम से, इसी तरह से वाटर बॉडीज़ के लिए हमने उनको रिजुविनेशन के लिए पहली बार इस तरह का ये पहला प्रयास है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसको सराहा है। एक रिवर रिजुविनेशन सेंटर की स्थापना की है। बहुत छोटे हमारे पास सीमित संसाधन हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वचन भी दीजिए, ये बताइए कि किस तरह से ये इस मार्ग में हम लगातार आगे बढ़ें। देखिए, उत्तराखंड की विडंबना ये है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कई तरह की विषमताओं से है और उस विषमता को हर तरह से झेलना पड़ता है। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि उसी विषमता के साथ जो हमारी वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, जो हमें कम से कम ये बताने की कोशिश नहीं करती कि हम किन संसाधनों के बीच में पैदा हुए, हमारा पर्यावरण हमारी पारिस्थितिकी क्या है, हमारा स्थानीय ज्ञान विज्ञान क्या है, और ऐसे में हम कितने भी बड़े प्रयोग कर लें अगर उसके रास्ते हम यह ना निकालें कि हम किस तरह से हर घर गांव के बीच में पहुंच सकते हैं कम से कम आने वाली पीढ़ी, क्योंकि इस पीढ़ी ने बहुत सी चीज़ों को नकारा है और उसी के दुष्परिणाम है जो हमें आज झेलने पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूसर का ये प्रयोग जहाँ एक इको क्लब के माध्यम से या बच्चों को जोड़ने का जो आपने ये प्रयोग किया और एक बातचीत और सब लोगों से मिलने मिलाने की जो बात की है, जो आपने ये रास्ता तैयार किया कि नए प्रयोग गांव के बच्चों के बीच में भी जाना जो जा रहे हैं और उनके पास जानकारियां इकट्ठी हो रही हैं, इसके दो तीन बड़े प्रभावी असर हैं। एक, हम आने वाली पीढ़ी को पहाड़ के लिए तैयार कर रहे हैं और देश के गांव के लिए। एक नंबर दो, हम आज अपनी पारिस्थितिकी को पूरी तरह समझने में असफल हैं और क्योंकि हमने तैयारी नहीं की इसलिए वो बच्चों तक भी नहीं पहुंची। तो एक ही जो दूसरा बड़ा हिस्सा है जो इस तरह के कार्यक्रम का, कि बच्चे पर्यावरण के बदलते परिवेश, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उसके दुष्परिणाम, उसको स्थानीय रूप से समझते हुए उसकी बेहतरी में खुद इसमें भागीदार होंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है। ये पीढ़ी अगर आज ये समझ सकेगी कि हमारे से पहले की पीढ़ी किन चीज़ों में चूकी है और हमें उसकी भरपाई के सरल से कौन से रास्ते हो सकते हैं, ये दूसरा बड़ा सवाल। तीसरी बड़ी बात यह है, उत्तराखंड को इसलिए जाना जाता होगा कि उत्तराखंड एक राज्य है। इससे ज्यादा उत्तराखंड की पहचान अगर कोई बना सकता है तो ये पीढ़ी इस रूप में बना पाएगी जो इसको ये बेहतर रूप में जब समझेगी और आने वाले समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब इसकी जड़ें मजबूत होंगी, जो कि इस कार्यक्रम में जो दिखता है कि हर चीज की बातचीत उसका हिस्सा है, तो कल ये जब उत्तराखंड के वो हिस्सा होंगे तो एक बेहतर नीति प्लानिंग पॉलिसी में ये एक अच्छी भागीदारी कर पाएंगे, बल्कि वो नकल नहीं करेंगे जो आज वर्तमान में हम केंद्र से या फ्लैट लैंड की नीतियों को आंख बंद करके पहाड़ पर लाने की कोशिश करते हैं। ये नकल ची नहीं होंगे और ये इसीलिए संभव होगा कि हमारा पेनिट्रेशन जो दूर दराज के गांव में, स्कूलों में, इको क्लब के माध्यम से हो और एक जनरेट हो। मेरा सोचना एक और भी है कि अगर यूसर उसमें सोच सकता है कि उनको क्या लगता है बच्चों को कि उनको कैसा उत्तराखंड चाहिए जिसका आधार विज्ञान हो, विज्ञान आधारित वो विकास की क्या कल्पना करते हैं, बच्चों से ये जानकारी जुटाइए। और मेरा मानना है कि वो जानकारी जब एकत्रित हो तो हम जैसे संगठन को दीजिए, हम उसको बांटेंगे राजनीतिज्ञों के बीच में, नीतिकारों के बीच में, कि आने वाली पीढ़ी का ये सपना उत्तराखंड के लिए है तो और हिमालय और पहाड़ के लिए है। तो एक पिक्चर हमारे सामने बड़ी साफ होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने राज्य को किस तरह से देखती है। और ये खासतौर से इसलिए जरूरी है कि पलायन के जो हालात हैं,
जो भय हमारे बीच में बन चुका है, सब कुछ खाली होने वाला है। ऐसे में अगर ये प्रयोग होगा कुछ नीतिकारों को, राजनीतिक मित्रों को, ये जब चीजें आएंगी तो मुझे लगता है एक नई दिशा तैयार होने में एक बड़ी भूमिका आपका ये कार्यक्रम कर पाए। मैं मुझे बताने में आपको बड़ा हर्ष है कि हम लोगों के द्वारा 13 जनपदों में और 95 ब्लॉक में कि बच्चे किस तरह से, वो हमने शैक्षणिक कार्यक्रम रहा है लेकिन जिसको बेस लाइन के माध्यम से और उनमें क्या इनोवेटिवनेस है इसके लिए हम द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। और कमाल की बात यह है कि बच्चों ने उसमें न सिर्फ अपनी जो पूरी क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल के पहाड़ के दृष्टिकोण से, हिमालय के दृष्टिकोण से सामने रखा और हम आपके सामने उसको लाएंगे भी, उस पूरी रिपोर्ट को अभी प्रस्तुत करेंगे। मैं एक आपसे चीज जानना चाहता था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है विशेष रूप से इस हिमालयी राज्य के लिए और पानी की वर्तमान हालात, नदियों की हालत को देखते हुए, कि आपका जो शुक्लापुर मॉडल है HESCO ने कमाल का, ऐसा मुझे नहीं लगता इस तरह के अभिनव प्रयोग बहुत हुए हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी जो वाटर बॉडी थी वो आज हमारे सामने सदा नीरा बन के बह रही है। उस शुक्लापुर मॉडल के आधार पर यूसर्क ने एक अध्ययन किया और हमने 21 जो हमारी डिस्ट्रेस्ड वाटर बॉडीज हैं, ये था प्रयत्न कि राज्य सरकार के माध्यम से उनको फिर से पुनर्जीवन उनको मिले। और जो हमने ये वाटर बॉडी इस तरह का एक सेंटर क्रिएट किया है, इसके बारे में भी आप कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे सरल बात यह है कि अभी हमने विज्ञान और प्रकृति के, जो हमारा आज का विज्ञान है और प्रकृति के विज्ञान को, दो अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है। मुझे लगता है आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है इस बात की है कि हम प्रकृति के साथ जब भी कोई प्रयोग करें तो उसके विज्ञान को समझते हुए करें और तब अपने ज्ञान और जो भी हमने अर्जित किया है एक वैज्ञानिक के तौर में उसको समावेश करने की उसकी सोचें। जब हमारी नदी सूख रही थी तो हमारे लिए सबसे सरल रास्ता यही था कि हमें पानी की वापसी चाहिए थी। पानी कोई चमत्कार नहीं होता है, कहीं पे पैदा नहीं किया जा सकता है, इसे प्रकृति के रास्ते ही इसकी वापसी संभव होगी। और ये भी क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है, हम वहीं बसे जहाँ पानी होता था। ये बात दूसरी है कि आज हम जहाँ बस रहे हैं वहाँ पानी ले जाते हैं, इसलिए पानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। तो हमें लगता था पानी लाना है तो हमको मालूम था कि ये जलागम जो हमारे बगल में है इसी के माध्यम से हमारी नदी में पानी आता है, जिसके हालात बेहतर नहीं है। तो पानी तत्काल लाने के लिए हमने जल छिद्रों की कल्पना की कि पूरे कैचमेंट में जल छिद्र बने और जो भी वर्षा का पानी किसी भी रूप में हमारे बीच में पड़े वो सीधे जब आएगा तो धरती के अंदर जाएगा और वो नदी में निकल के आएगा। उसके 2-3 प्रभाव भी हुए। एक अच्छी खासी बारिश जो भी पड़ती है उसने कहा 1 मिनट में 100 लीटर पानी को 900 लीटर पर मिनट में बदल दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पे एक इस तरह का मिट्टी में नमी बनी रही तो और पौधों का भी जन्म हुआ, एक बेहतर साल का जंगल भी पनपना शुरू हुआ। मतलब एक सरल जो प्रकृति सिखाती है, हमने प्रकृति के रास्ते ही अपने विज्ञान को तय किया। सहज, बहुत सहज। तो अलग तरीके से कोई लाइन खड़ी करके बात नहीं की। और यही कारण है कि हमने तो एक ही बात सोची कि पानी लाना है, लेकिन जो रास्ता प्रकृति का अपनाया तो पेड़ भी आ गए, जंगल की आग भी नहीं लगी और बहुत सी वो चीजें और वन्य जीव जो वहाँ नए सिरे से पनप रहे हैं। मैं कली रात मैं जब अपने देख रहा था, मुझे एक ऐसा जीव दिखाई दिया, मैंने कल्पना नहीं की हमारे जंगल में होगा, अब मैं उसको पहचान नहीं पाया, पर वो एक बड़ा सा जीव था जो कि दीवार पे चल रहा था। मेरे पास प्रकाश नहीं था, मैं देख नहीं पाया। मेरी खुशी का हिस्सा ये था कि ये अब ये विविधता भी तभी संभव है जब आप प्रकृति के साथ रहेंगे। प्रकृति में औरों का भी बड़ा योगदान है और वन्य जीवों का, अगर उनकी वापसी ऐसे प्रयोग से हो जो एक ही समझ से निकलता हो कि प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए जब प्रयोग करेंगे तो फिर सबकी उपस्थिति संभव होगी, वरना हम एक विज्ञान की जो भी बात करेंगे हम नहीं समझते कि हम एक बेहतर परिणाम दे पाए। नहीं, आपने हमेशा विज्ञान के साथ सहृदयता और मानवीय मूल्यों की हमेशा बात की है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर। मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी, शिक्षक, सभी लोग जुड़े हुए जो विज्ञान और उसकी सहृदयता मानवीय पक्ष है
उसके बारे में भी आप। मेरा मानना है कि देखिए विज्ञान को विज्ञान विलासिता नहीं होता, ये पहली बात शब्द समझ लेना चाहिए। और विज्ञान जब जब हमने विलासिता की तरफ उसको धकेला, वो विलासिता के बाद फिर जो विचारों में अंतर आना शुरू हुआ, और वही विज्ञान को अंततः परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, युद्ध के हथियार, ये वहां चला गया। विज्ञान इसके लिए, विज्ञान आपके जीवन को बेहतर करने का एक रास्ता है और उसकी एक सीमा है। उसको तोड़कर जब भी हम जाएंगे तो हम तमाम तरह के विनाश को जन्म देंगे। तो विज्ञान विनाश के लिए नहीं होता। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हम विलासिता के बारे में जितना विज्ञान को धकेलेंगे हम उसको विनाश की तरफ ही ले जाएंगे। तो हमारी समझ ये बननी चाहिए कि हमारा विज्ञान विकास की हो, लेकिन प्रकृति के साथ अगर जुड़ के देखेगा तो दोनों ही पल हमारे पास हमारे हिस्से में आएंगी। कि प्रकृति को खो देना एक सबसे बड़ा हमारी 21वीं सदी के अंत तक हमें ऐसा बड़ा दुष्परिणाम देगा कि जिससे मैं नहीं समझता हूँ कि जीवन के वो हालात होंगे जो आज हमारे बीच में है। तो इसलिए अभी भी समय है हमें कैप लगा लें कि हम विलासिता के विज्ञान को एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, या विज्ञान को विकास तक ही रहने देंगे, और ऐसा विकास जो सबके हिस्से में हो। अगर दिल्ली मुंबई बहुत बड़े बन गए तो फिर गांव की बारी के विकास का नंबर लगाएं, हमारा जीवन उसी में निकल जाएगा और आने वाली कई जो पीढ़ियां होंगी। तो इसलिए हमें विलासिता पे ले जाके विकास जहां का हो गया उसके बाद दूर दराज के गांव के लिए वो विज्ञान की परिभाषा होगी, तो समानता होगी, असमानता जो एक बड़े जगह बनाती है उसका कारण भी विज्ञानी है। अगर अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार हैं या समानता है, उसका विज्ञान उसी दिशा में है। और हमें अगर आज दूसरा भय खाता है परमाणु बम का, न्यूक्लियर बम का, या जापान जैसे देश की जो हालत हिरोशिमा में भी, तो इसलिए विज्ञान की दिशा तय कर लेना आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अपनी पृथ्वी को सहेजना ये विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में। मैं आपसे अंतिम प्रश्न है और उसमें आशीर्वचन भी है। आप हमेशा आपका सरोकार ग्रामोन्मुख रहा है, ग्राम से जुड़ा हुआ और बॉटम अप रहा है जिसको कहा जाता है। हम भी कोशिश करते हैं कि शिक्षा को उस अंतिम व्यक्ति तक मिले, उस बच्चे तक मिले। इसके बारे में आप अपना वो भी दीजिए कि ग्राम ग्राम से जुड़ा हुआ विकास और अंतिम व्यक्ति से। देखिए पहले तो अपने देश की पहचान 8000 शहर और 22000 कस्बे नहीं है। हमारे देश की बड़ी पहचान 6.5 लाख गांव है, और ये 6.5 लाख गांव ही हमारी असली देश के शरीर का तंत्र है जिससे सब कुछ चलता है। ये बात दूसरी है हृदय दिल्ली मान लिया जाए या कलकत्ता मुंबई को अपने हाथ मान लिया जाए और चेन्नई बेंगलोर को पैर मान लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि इन सब में जो तंत्र चलता है, जो धमनियां चलती हैं, वो गांव है देश के। और अगर गांव के हालात बेहतर नहीं होंगे तो ना दिल्ली चलेगी, ना मुंबई चलेगा, ना चेन्नई चलेगा, और इसके परिणाम दिखते भी हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज देश को 6.5 लाख गांव पर केंद्रित होना चाहिए। दिल्ली मुंबई देहरादून के हिस्से में सब कुछ आ चुका, पर अगर आप चाहते हैं कि इस देश का सही मायनों में सही बड़ा विकास हो, मैं समझता हूँ सरकार ने कहीं ना कहीं अब सरकार की समझ में आना शुरू हो चुका है कि गांव अब अनदेखे नहीं रखे जा सकते। तो अगर देश को सही मायनों में मजबूत करना है तो हमें ग्रामोन्मुखी होना ही होगा। गांव मजबूत होंगे, संसाधन मजबूत होंगे, प्रकृति स्थिर रहेगी, वही एक रास्ता है जिसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। आपने हमको इतना समय भी दिया, आशीर्वचन दिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।